टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा इन टेबल, यानी कि हमारे पास जो सेट ऑफ डाटा है उसे हम टेबल में शो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इन क्लासेस और ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले पीछे हमारे पास जो टॉपिक था हमने उसमें क्लासिफिकेशन में कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। वो हमारे पास होती है अरेंजमेंट ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स। तो इसे हम कहते हैं, यानी कि वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हमारे पास जो डाटा उसे हम अरेंज करते हैं वैल्यूज को। तो उसे हमने क्या करना है, इन टू क्लासेज और ग्रुप्स टुगेदर इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप और हमारे पास क्लास। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस सारे का मतलब क्या था, आप देखें हमारे पास एक डाटा सेट है, इसे मैं क्या करूँ, इसे मैं अरेंज करूँ। अरेंजमेंट ऑफ डाटा मैं कर रहा हूँ टेबल की शक्ल में, ये देखें टेबल की शक्ल में हमारे पास आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इन टू क्लासेज और ग्रुप्स, यानी कि देखें मैंने इसी डाटा सेट के क्या करे, मैंने क्लासेज बना लिया। आगे अभी हम करते हैं क्लासेज कैसे बनती है सारा कुछ वगैरह। अब मैंने इसकी क्लासेस बना ली हैं। अब इस क्लासेस में मेरे पास, अब इस इन दोनों को छोड़ें, फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले हमारे पास जो कॉलम है इसे देखा, लास्ट वाले को देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्लासेस है और मेरे पास आगे ये भी पड़ा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, यानी इस क्लास के अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन इस डाटा की फॉल कर रही है। तो इस चीज़ को, यानी कि हमारे पास जब क्लासेज होंगी और फ्रिक्वेंसी होगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन पर्टिकुलर क्लास, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेफर करते हैं एज क्लास फ्रिक्वेंसी, और हम इसे सिंपली फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास जब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर फॉल कर रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे, क्लास फ्रिक्वेंसी, या हम इसे सिंपली फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, और इसे हम एफ के साथ भी डोनेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा होता है, जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारे पास होता है ग्रुप डाटा, यानी कि जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास क्लासेज हो और फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें हमारे पास क्लासेज हो और फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास जो डाटा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। लेकिन जब हमारे पास जो डाटा हमारे पास पड़ा होता है इन ओरिजिनल फॉर्म, आप देखें ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो डाटा पड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अनग्रुप कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप डाटा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास है कि डाटा हमारे पास होता है, हम उसे अरेंज कर लेते हैं इन अरे। अरे के अंदर करने का मतलब क्या है कि हम उसे एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड क्या है, अगर हमारे पास वैल्यू लिखी हो, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं, या बड़ी वैल्यू से छोटी, अगर आप छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ लिख रहे होंगे, हमारे पास जो डाटा सेट दिया गया होता, तो 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और ये अगर मैं लिखता ऐसे, तो ये मेरे पास क्या होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर होना था। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्पस भी है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि हमें ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें मीनिंगफुल पैटर्न दे रहा है किसी चीज के बारे में, फॉर द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा फॉर विच द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी कि इसके बारे में हमने कंक्लूजन ड्रा करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा थी, उसके बारे में हमें इसने अब क्या कर दिया, मीनिंगफुल पैटर्न दे दिया है। देखें अब पता चल रहा है कि इस वेट के अंदर हमारे पास इतने चीजें फॉल कर रही हैं, इस वेट में इतनी ऑब्जर्वेशन है, इतने वेट के अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन है। तो एक मीनिंगफुल हमें पैटर्न यहाँ पर पता चल रहा है। तो एक फेयरली कॉमन फ्रिक्वेंसी पैटर्न हमारे पास किस तरह का होता है, जो राइजिंग टू द पीक होता है एंड देन डिक्लाइनिंग होता है। आप देखें ये एक राइजिंग टू द पीक, पीक की तरफ हमारे पास क्या राइज कर रहा है। आप देखें अगर मैं फ्रिक्वेंसी बताऊँ, तो ये देखें 9, 10 एंड 17। अब देखें अब 17 से फिर ये डिक्लाइन हो रहा है, 10, 5, 4, 6। तो अब इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमें इसे बनाना कैसे है, उसमें हमारे पास क्या, ईच क्लास और ग्रुप, ये हमारे पास ईच क्लास या एक ग्रुप जो है हमारे पास, इसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, उसके अलावा इसके एक लोअर बाउंड्री होती है, एक अपर बाउंड्री होती है, इंटरवल होता है एंड मिड वैल्यूज होती हैं। अब जो मैंने ये कहा है, यानी कि क्लास लिमिट्स, बाउंड्रीज, उसके बाद में मैंने कहा है मिड वैल्यूज, उसके बाद में मैंने क्लास विड्थ या इंटरवल की बात की है, तो हम इसे एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास लिमिट्स की। तो ये क्या होती हैं, तो जो हमारे पास क्लास लिमिट होती है, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास होते हैं एज द नंबर, और हमारे पास होती है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द
क्लासेस, यानी कि हमारे पास ये देखें तो 65 क्या ये एक नंबर है या हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एप्पल का वेट ही है तो ये मेरे पास क्या है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, या हमारे पास ये नंबर है जो हमारे पास डिस्क्राइब कर रही है किसको, क्लास को। तो इसमें हमारे पास देखें जी दो वैल्यूज़ हैं, एक अपर और एक हमारे पास क्या है लोअर है। तो हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, यानी कि 65 यहाँ पर क्या है ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है। और हमारे पास जो हाई लार्ज वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 84 क्या है अपर क्लास लिमिट है। तो क्लास लिमिट हमारे पास जो होनी चाहिए वो शुड बी वेल डिफाइंड एंड देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग, यानी कि इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ओवरलैपिंग क्या होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर वैल्यू क्रॉसपॉन्ड कर रही हो एग्जैक्टली टू द लोअर लिमिट और टू द अपर लिमिट तो वो हमारे पास लिमिट बी इंक्लूडेड इन दैट क्लास, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू है वो हमारे पास एग्जैक्टली क्रॉसपॉन्ड कर रही है, यानी कि यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कहीं पर आ रही है 65 से 84 के दरमियान, तो वो वहाँ पर ही क्या होनी चाहिए फॉल करनी चाहिए। ये नहीं कि एक वैल्यू यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर भी फॉल कर रही है और वही वैल्यू यहाँ पर भी फॉल कर रही है, यानी कि आपकी जो इंटरवल है, यानी कि अगर मैं कहता यहाँ पर 65 से लेकर 84 और यहाँ पर मैं बना देता कहाँ 83 से लेकर 104, तो देखिए अब यहाँ पर 84 आता तो वो कहाँ पर मैंने फॉल करी थी, यहाँ पर ओवरलैपिंग थी, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही ग्रुप के अंदर फॉल करे, दूसरे के अंदर फाल ना करे वो। तो इसलिए हमारे पास जब हमें क्लास लिमिट को हम इस लिहाज से सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस एज द रिकॉर्डेड वैल्यूज, यानी कि जितनी जैसे रिकॉर्डेड वैल्यू उस लिहाज से हम सिग्निफिकेंट प्लेसेस उसकी बनाते हैं। तो अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास डाटा रिकॉर्ड किया गया टू द नियरेस्ट इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, उसके अलावा हमारे पास क्या होती है हमारे पास यानी कि 0 ± 1 ± 2 इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास इंटीजर है। तो अब नियरेस्ट इंटीजर के लिहाज से हमारे पास वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया, तो उसे हमने यानी कि अगर हमने लिखना होता अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिफाइनिंग उसे क्या कर यानी कि क्लासेस उसकी बनाने के लिए, क्लास लिमिट बनाने के लिए विदाउट ओवरलैपिंग, तो वो क्या होना था, तो वो अगर मैं बनाता तो ये देखिए एक एग्जांपल है इस तरह बना सकता था, ये भी मैंने बनाया। अगर आप इसे और ज़्यादा यानी कि डिफाइन करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, यानी कि देखिए 10 से लेकर 14, अब 15 से लेकर 19, अब ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर भी आप देखें तो 10 से लेकर 14.9 तो आगे 15 आ रहा है, फिर आगे 19.9 तो फिर 20 आ रहा है। अब सब टाइम्स हमारे पास ऐसे भी हो जाता है कि हमारे पास क्लास हैज आइदर नो अपर क्लास लिमिट और नो लोअर क्लास लिमिट, तो इस तरह की क्लास को हम क्या कहते हैं, इस तरह की क्लास को हम कहते हैं ओपन एंड क्लास। यानी कि अगर हमारे पास अपर इसकी आप देखें, अगर मैंने इसी तरह का मेरे पास कोई डाटा होता तो मैं यहाँ पर अगर इसी तरह कोई डाटा यहाँ पर लिख देता कि मेरे पास यहाँ पर डाटा वैल्यूज आ रही है 5 से लेकर 9 तक, 10 से लेकर आगे यानी कि 14 तक, आगे 15 से लेकर सो ऑन ऐसे आगे जा रही है, तो आगे एक वैल्यू आती 30 एंड अबव। अब अबव हमारे पास क्या है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर उसकी अपर लिमिट है, अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट हमें पता चल गई। इस तरह अगर हमारे पास स्टार्टिंग पर भी आ सकता था कि हमारे पास 9 और उसके बाद में बिलो लिख देता, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता, अगर इस तरह की हमारे पास जो क्लासेस आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। तो ओपन एंड क्लासेस अगर हमारे पास जितना पॉसिबल हो तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास हिंड्रेंस इन परफॉर्मिंग सर्टन कैलकुलेशन, यानी कि सर्टन कैलकुलेशन हमारे पास जब हम कर रहे होते हैं, अगर हमने मीन ही निकालना हो, आगे हम जाके हमें पता चलेगा हमने क्लास मार्क या मिड पॉइंट हमने निकालने हैं, तो उसमें हमारे पास क्या रुकावट पैदा करेगी, हमें इसके आंसर नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से हमें इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक क्लास पड़ी हो उसे हमने इंडिकेट किया है 10 से लेकर 15 तक वो क्लास है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 10 जो है वो इंक्लूड होगा लेकिन इसमें 15 जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे लिख कर दिखाता तो ये इस तरह बननी थी ये क्लास। तो इसमें आपने इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कम है, क्योंकि आपको आगे, क्योंकि आपने अभी क्लासेस बनाई है, फिर आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, तो ये सिचुएशन तो वैसे ही खत्म हो जानी है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कहीं क्लास में पूछे प्रोफेसर वगैरह, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि अगर आपके पास 10 से 15 है, तो उसका मतलब क्या है कि 10 इंक्लूड है उसमें, लेकिन जो अपर क्लास लिमिट है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्लास लिमिट की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास वो प्रिसाइज नंबर होते हैं विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर। आप देखें अगर, तो हमारे पास इसमें जो सिलेक्शन ऑफ नंबर होता है वो रिमूव कर देता है हमारे पास डिफिकल्टी, अगर हमारे पास कोई हो के इज नोइंग द क्लास टू विच अ पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी असाइन। यानी कि देखें, अब हमारे पास यहाँ पर अगर वैल्यू ही आ जाती कि 84 या 84 ही आ जाती है, 84.1 या कुछ भी, तो अगर इसमें क्लास बाउंड्रीज निकाल लेता, तो क्लास बाउंड्रीज अगर इसकी मैं निकालता तो वो मेरे पास बननी थी 84.5, और उसके बाद में मेरे पास बननी थी। तो आप देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर अगर, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपकी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो किस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमारे पास क्या कर रही होगी, फॉल कर रही होगी, कि इसके अंदर उसने फॉल करना था, इसके अंदर फॉल करना था। आप देखें यहाँ पर इसे पता है कि मैंने इस वाली क्लास के अंदर क्या करना है, मैंने ग्रुप के अंदर फॉल करना है। तो जो पहले हमने लिखा था ना, अगर आपको याद हो ये वाली चीज़, तो ये देखिए यहाँ पर इस वाली डिफिकल्टी को भी हमने क्लास बाउंड्री हमारी क्या कर देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि जब हमने लिख देना इसे ही 10 और 15 था ना, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख देता कि 9.5 और उसके बाद में हमारे पास होता 15.5, 14.5, तो ये हमारे पास क्या था कि मुझे पता चल जाना था कि अब अगर कोई वैल्यू आ रही है 14 या कोई भी, तो वो कहाँ पर फॉल करेगी, वो यहाँ पर फॉल करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमारे पास इसमें हमारे पास होता क्या है, फिर ये हमें लोकेट कराते हैं, हम इसे लोकेटेड करते हैं मिड वे बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द नेक्स्ट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। यानी कि हमारे पास इसे हम लोकेट कैसे कर रहे होते हैं, अगर मैं इसी की बनाता तो ये मेरे पास कैसे होती, मैंने अभी आपको लिख के बताई थी कि अगर मैं इसे ऐसे तरह लिखता, तो ये मेरे पास वो क्या कह रहा था, उसे लोकेट हमने कैसे किया, तो हमने इसे लोकेट कैसे कराया था, हमने इसे लोकेट कराया था कि हमने इसे कहा था मिडवे बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। यानी कि इन दोनों के दरमियान हमने इसे क्या कर किया, लोकेट किया। तो ये देखें इन दोनों के सेंटर में, यानी कि 84.5, देखें तो 84.5 और 84.5 इस तरह आ रही है, तो वैल्यूज फिर आगे चलती जाएंगी, तो ये पीछे वाले भी 64.5 हो जाएगी और नेक्स्ट भी आगे ये सारा चलता जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें हम कह सकते हैं फिर कि हमारे पास ये मोर प्रिसाइजली है देन द लेवल ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास द लेवल ऑफ मेजरमेंट बीइंग यूज सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन फॉलिंग एग्जैक्टली ऑन द क्लास बाउंड्री शुड बी अवॉइडेड। यानी कि हमारे पास इसमें हम, यानी कि इसमें हम इतनी लेवल ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्टली, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो फॉल कर रही हो ना बाउंड्री को, उसे हम अवॉइड कर सके। जैसे हमने अभी कहा था अगर हमारे पास 84.3 अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये चीज़ बनाई थी कि ये चीज़ अगर कोई आ रही है तो वो ठीक हो सके, हमें उसे पहले ही पता चल जाए कि वो किस वाली हमारे पास ग्रुप के अंदर फॉल करेगी, किस वाली क्लास के अंदर ऑब्जर्वेशन फॉल करेगी। तो यही नहीं, इसमें एक डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। ये देखें अगर मैंने एक और एग्जांपल लिख दी है, तो 9.5 और इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्रीज उसकी बन रही है। अब इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 9.95, अगर आपको ज़्यादा आपके पास क्या है ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लास बाउंड्री हमारे पास कैरी कर रही होती हैं वन मोर डेसिमल प्लेस देन द क्लास लिमिट और द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। अब देखें ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर अगर मैंने, देखें मैंने इसी डाटा की क्या की है, क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर बनाई हुई है, तो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में तो यहाँ पर क्या है कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो एक या यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है वन मोर डेसिमल पॉइंट क्लास लिमिट के लिहाज से भी और ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के लिहाज से भी, अगर आप कहना चाहते हैं। तो हमारे पास जो अपर क्लास बाउंड्री होती है ऑफ द क्लास, वो हमारे पास कोइंसाइड करती है विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब ये देखें यानी कि कोइंसाइड मतलब एक जैसी होती है, सेम वैल्यू उनकी होगी। अब ये देखें अपर क्लास बाउंड्री और जो नेक्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम।
सेम, अगर आप देखें ये देखें सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ तक आपको अब सारा पता चल गया होगा कि हमने ये क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास बाउंड्री क्या होती है। आगे जब हम जाके, अभी मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन आगे जाके स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्लास बाउंड्री बनाते कैसे हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं, हमारे पास है क्लास मार्क्स और क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट भी हम इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है विच डिवाइड द क्लास इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हमारे पास ये क्लास है उसे टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ये देखें, अगर मेरे पास इसे हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, इसे हम देखें, अगर हमारे पास द सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट को भी, यानी कि अगर एक क्लास है हमारे पास इसकी लोअर 65 है, तो मैं इसे क्या करता, 65 प्लस 84 करता और इसे डिवाइडेड बाई टू करता, तब भी मेरे पास आ जानी थी। अगर मैं इसकी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को भी प्लस कर लेता तो फिर भी मेरे पास ये, यानी कि इनका पहले मैं क्या करता, सम करता और उसके बाद में मैं इसे टू पर डिवाइड कर देता, तो ये मेरे पास फिर भी आ जानी थी। तो ये जो वैल्यू है अब मेरे पास, ये मेरे पास क्या कर रही है, ये मेरे पास ये जो क्लास है इसे टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही होगी। अब कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर ये हमारे पास ऐसे नहीं आएगी, यानी कि ये होल्ड नहीं कर रही होगी, तो वो हमारे पास किस किस्म के हो सकते हैं, जब अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एज ग्रुपिंग, अगर हम एज ग्रुपिंग की बात करें मॉडर्न प्रैक्टिस में, तो उसमें हमारे पास ये होल्ड नहीं कर रही होगी। अब अगर मैं पर्पस ऑफ कैलकुलेशन के लिहाज से बात करूं, तो हमारे पास वो हमें कहता है कि फ्रिक्वेंसी इन अ पर्टिकुलर क्लास इज अज्यूम टू हैव द सेम वैल्यू एज द क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट। अब इसका मतलब क्या था, अगर हमारे पास वो कहता है कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कि इस क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 9 है, तो उसके अंदर हमारे पास वो कहता है कि हम अज्यूम करते हैं हैव सेम वैल्यू एज द क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क, यानी कि इसकी इन इसके अंदर अब मुझे क्या पता था, अब अगर मेरे पास ये डाटा अरेज कर दिया जाता तो मुझे पता था क्या इसकी क्या होगा, कि इसके अंदर कौन सी 9 वैल्यूज फॉल कर रही होंगी, नहीं पता था। क्योंकि जब हमने आगे जाके आप देखेंगे तो हमारे पास ये, अगर हमने देखें अब डाटा को, ग्रुप डाटा बना लिया, तो हम अनग्रुप डाटा तो नहीं ना किसी के सामने रखेंगे कि जी इसे देख लें, हमने तो इसे अपने पास वैसे सेव करके रखना चाहते तो रख लें, लेकिन हमने जो प्रेजेंट करना वो हमने क्या करना होता है, एक ग्रुप डाटा करना होता है, अनग्रुप डाटा नहीं करना होता। तो इसमें हमारे पास फिर क्या होना था, हमें ये, हम सिर्फ उस किसी बंदे को ये बता सकते हैं कि हमारे पास जी इसके अंदर 9 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है। अब उसे पता है कौन सी फॉल कर रही है, बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है वो 66 इसमें 4 दफ़ा आया हो सकता है कि इसमें 80 3 दफ़ा आया हो, इस तरह हमें नहीं पता इसकी कौन सी ऑब्जर्वेशन है। तो उसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ इसका मिड निकाला, तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि 74.5। अब हो सकता था अगर मेरे पास जो 9 ऑब्जर्वेशन, मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन पड़ी होती, उनका मैं 9 की 9 को प्लस करता, 9 के ऊपर डिवाइड करता, तो उसका मिड ये ना आता, मिड पॉइंट ये ना आता, एवरेज ना आती, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ग्रुपिंग एरर। तो हमारे पास जो हमें एक स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस बताता है, शो करता है, वो ये हमें कहता है कि इस किस्म का जो हमारे पास ग्रुपिंग एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, हमारे पास ग्रुपिंग एरर आता है, ये हमें हमारे पास टेन टू काउंटर बैलेंस हो जाता है ओवर द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। एक इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसे क्या कर रहे हैं, जब हम इसका मीन निकालेंगे, आगे जाके हमने इसका मीन वगैरह भी निकालना है, तो जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो इसमें काउंटर बैलेंस हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसल आउट हो जाएगी। अब इस ग्रुपिंग एरर को हम क्या मिनिमाइज कर सकते हैं आंसू, किसके जरिए, सिलेक्टिंग अ क्लास और ग्रुप इन सच अ वे डैट इट्स इन मिड पॉइंट क्रॉस्पॉन्ड टू द मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉलिंग इन द क्लास। इसका मतलब क्या था, कि हम एक ऐसी क्लास या एक ऐसा ग्रुप हमें सेलेक्ट उसके सेलेक्ट करें कि उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई हो, अगर मैं ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का मीन निकालूं, यानी कि इसके दरमियान अगर 9 ऑब्जर्वेशन पड़ी है, तो मैं उस ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का मीन निकालूं, तो वो भी वही निकले जो मिड पॉइंट का आंसर निकल रहा होगा। इस किस्म की आप क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग एरर को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास रह गया है क्या, हमारे पास द क्लास विड्थ और हमारे पास हम इसे क्या कहेंगे, इंटरवल। ये हमारे पास क्या होता है, तो जो हमारे पास क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। अगर हम इसे निकालना चाहें तो ये क्लास बाउंड्री अगर मेरे पास है, तो इसका मैं अगर डिफरेंस ले लूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास क्लास
विर्थ आ जाएगी, जिससे मैं इंडिकेट करा सकता हूँ एच के जरिए या सी के जरिए। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितनी आ रही है, 20 आ रही है। आप इसे इस तरह भी निकाल सकते हैं, या आप हमारे पास जो दो सक्सेसिव हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स पड़ी हैं उसके जरिए भी आप निकाल सकते हैं। आप देखें अगर मेरे पास कितनी पड़ी है, इन दो सक्सेसिव की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या 85 और या 65 है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसका आंसर भी मेरे पास 20 आ जाएगा। या मैं इसे बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क जरिए भी निकाल सकता हूँ। हम ये देखें मेरे पास क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स भी पड़े हैं, तो मैं क्या करता 84.5 इनका डिफरेंस ले लूँ, तब भी मेरे पास क्या आ सकती है, मेरे पास ये क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल आ सकता है। अब ये देखिए मैंने तीन तरीके से आपको बताया, एक हम डिफरेंस इसका ले लें, एक डिफरेंस ऐसे ले लें, या एक डिफरेंस ऐसे ले लें। तो आपने कभी ऐसा नहीं करना कि आपने लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट, यहाँ पर देखिए मेरे पास 84 थी और माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19, तो जो कि हमारे पास विड्थ ऑफ द क्लास हमारी नहीं है। तो ऐसा आपने कभी नहीं करना। आप या ऐसे दो लोअर क्लासेस के जरिए ले सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, या दो हम डिफरेंस ले सकते हैं हमारे पास जो क्लास मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स पड़े हैं उनके जरिए। तो इसे आप डोनेट किसके साथ, सी के साथ करा सकते हैं या एच के साथ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ फिर हमें फैसिलिटेट किस चीज़ के बारे में, किस में कर रही होगी, ये हमें कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट, जैसे कि हम मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं, वेरियंस निकालते हैं, इस किस्म की चीज़ों में हमें ये मदद कर रही होगी। इसलिए हम अगर प्रैक्टिस में बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए, हमारे पास डिजायरेबल टू हैव इक्वल क्लास इंटरवल, हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल होने चाहिए। बट हमारे पास सम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल और मेडिकल जो हमारे पास डाटा होता है उसमें हमारे पास जो हमारी क्लास इंटरवल होती है वो इक्वल नहीं होती, इसमें हम वो हमारे पास हम इसमें हम वाइज हो गए अगर हम क्लास इंटरवल इक्वल ना लें, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल इक्वल होंगी। कुछ इकोनॉमिकल और मेडिकल हमारे पास जो डाटा है इसमें हमारे पास इट इज़ वाइज टू यूज़ अनइक्वल क्लास इंटरवल और अकाउंट ऑफ ग्रेटर कंसिडरेशन ऑफ मेजरमेंट इन सर्टन केसेस, क्योंकि अगर कुछ हमारे पास अगर डाटा ऐसा भी आ सकता है, अगर देखें यार 85 84, उसके बाद में हमारे पास आता कितना, हमारे पास यहाँ पर आ जाता चले 85 और यहाँ से लेकर मेरे पास आ जाती चले अब 94 आ जाता, ठीक है। फिर मेरे पास क्या 95 से लेकर, अब देखिए यहाँ पर 20 का इंटरवल, यहाँ पर 10 का इंटरवल है। तो इस तरह भी हमारे पास क्लासेस बन सकती थी इकोनॉमिक और मेडिकल डाटा के अंदर, या हमारे पास किस किस्म का कुछ स्पेशल केस आ जाता है जिसमें हम इसे यूज कर रहे होते हैं। तो सच क्लास इंटरवल यूजली बिकम यूनिफॉर्म व्हेन लॉगरिथम ऑफ द मार्क्स आर टेकन, यानी कि हमारे पास जो क्लास मार्क्स हैं ये जो हमारे पास उस इस किस्म के डाटा के जिसमें हमारे पास क्लास का इंटरवल का विड्थ इक्वल नहीं होगा, उसमें हम जब हमारे पास क्लास मार्क्स हैं उनका हम लॉगरिथम ले लेंगे तो हमारे पास उसकी क्लास इंटरवल क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। उसमें हमारे पास जो ये इंटरवल होगा वो यूजली बिकम यूनिफॉर्म, फिर वो यूनिफॉर्म हो जाएगा जब हमारे पास लॉगरिथम लेंगे हम किसकी, क्लास मार्क्स की। तो इसमें एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है कि कुछ लोग हमारे पास होते हैं जो क्लास और क्लास इंटरवल इन दोनों को इंटरचेंजली यूज़ करते हैं, यानी कि कहीं जहाँ पर क्लास इंटरवल कहना हो वहाँ पर क्लास भी कह देते हैं, यहाँ पर क्लास कहना हो वहाँ पर क्लास इंटरवल यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह यूज़ कर लेते हैं। और विड्थ ऑफ द क्लास जो हमारे पास होती है वो रेफर्ड एज द साइज और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि हमारे पास जो क्लास है उसका साइज कितना है या लेंथ कितनी है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम विड्थ ऑफ द क्लास कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।